10 मिलीग्राम फुल असेंबली वीडियो, वेइंग इंक्लोजर एंड बेसिक वेइंग मशीन फिटिंग। आपको वेइंग मशीन के साथ ये सारे इंक्लोजर के पार्ट्स है, ये पिलर्स है, ये नॉब्स है, ये स्क्रू, बेसिक पेन एंड एसएस पेन एंड चार्जिंग एडाप्टर, इतना आपको टोटल वेइंग मशीन के पार्सल में आएगा। इंक्लोजर फिटिंग के लिए ये बॉटम का पार्ट है, ये बॉटम का पार्ट में यहाँ पे आपको एक ग्रू वाला साइड दिखेगा, तीन साइड, और बैक साइड आपको प्लेन रहेगा। तो ये ग्रू वाला साइड के ऊपर चार पिलर्स जो है, ये पिलर्स इस तरीके से लग जाएंगे चारों साइड नीचे स्क्रू से। आपका चारों साइड से इस तरीके से पिलर लग जाएगा, ये स्क्रू से फिट किया है हमने, ये स्क्रू ऑलरेडी दिया गया है इसमें। आपको सबसे पहले फुल टाइट नहीं करना है, थोड़ा हल्का ढीला रखना है ताकि पूरा फुल असेंबल करके भी आप कर सके। पिलर लगने के बाद आपको सबसे पहले ये जो पार्ट है, स्मॉल बैक साइड प्लेट है, ये आपको ऐसा डालना है ग्रू में, इस तरीके से स्लाइड करके बैठ जाएगा अंदर, ये इस तरीके से लग जाएगा। अभी जो सेकंड पार्ट है वो टॉप वाला पैनल है, इसमें भी आपको ये जो ग्रू का फ्रंट साइड है तो इसमें ये ग्रू का फ्रंट साइड आएगा, ये ऊपर प्लेन है और नीचे ये ग्रू वाला साइड है, जो प्लेन साइड है ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से लग जाएगा। इसको भी उसी तरीके से स्क्रू से टाइट करना है आपको, इस तरीके से चारों साइड चारों स्क्रू आपको लगा देना है, इस तरीके से फिट करना है। ये चारों स्क्रू हल्का ढीला रखना है, फुल टाइट नहीं करना है राइट नाउ। फिर इसके बाद में आपको ये तीन पैनल बचेंगे होल वाला, उसमें दो पैनल एक साइज़ के हैं और ये पैनल बड़ा है, ये लेफ्ट राइट लगेगा और ये फ्रंट लगेगा। ये लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ग्रू में इस तरीके से ऊपर नीचे ग्रू के अंदर डाल के आपको स्लाइड करना है, और इसका जो नॉब है वो यहाँ पे फिट करना है इस तरीके से, ये आपका इसका नॉब लगा देना है। सेम टाइप से आपको राइट हैंड साइड का भी फिट करना है, ये फिट हो जाएगा, सेम मेथड से फ्रंट का लगा देना है। ये फ्रंट का लगने के बाद ये जो ग्रू में स्लाइड होके यहाँ पे जो आपको दिखेगा स्लॉट, ये स्लॉट के अंदर इस तरीके से चला जाना चाहिए, ये कंप्लीट तीनों साइड से ऐसा आपका ये फिट हो जाएगा। ये कंप्लीट असेंबल होने के बाद ये जो स्क्रू ऊपर नीचे के है वो आपको कंप्लीट टाइट कर देना है स्क्रू ड्राइवर से। अभी आपको ये पैनल फिट करना है, तो ये प्लास्टिक पैनल में ये स्क्रू है, यहाँ पे ये दो नॉच दिया है, सेम नॉच इसमें दिया है, ये आपको एकदम हल्का हाथ से बिठाना है इसमें। आपको ध्यान रखना है, वेट नहीं देना है, थोड़ा भी प्रेस नहीं करना है दबा के, हल्का हाथ से आपको फिट करना है, ये ऐसा चला जाएगा। फिर ये स्क्रू आपको टाइट करना है, टाइट करते टाइम भी आपको वजन नहीं देना है, और ये एसएस का ट्रेस के ऊपर लग जाएगा। ये आपका वेइंग स्केल असेंबल हो गया, ये इंक्लोजर असेंबल हो गया आपका। अभी इंक्लोजर को इसके ऊपर फिट करना है, ये जो दो टाइप के स्क्रू है ये स्क्रू यहाँ पे फिट हो जाएंगे। इस तरीके से रख देना है और ये होल से होल मैच करके स्क्रू लगा देना है। ये आपका वेइंग मशीन कंप्लीट असेंबल हो गया है। आपको यहाँ पे ये सप्लाई का कनेक्शन करना है, ये कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक सप्लाई का इंडिकेशन आएगा। आपको ये राइट हैंड साइड में ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से सबसे पहले ऑन करना है मशीन को, वो ऑन करने के बाद यहाँ पे जो ऑन ऑफ बटन है इसको ऑन करना है। ये वेइंग स्केल आपका कम्प्लीटली ऑन है। आपको कोई भी वेट अगर रखना है और उसको ज़ीरो करना है तो ये टायर की यूज़ आपको करना है, इससे ज़ीरो हो जाएगा। फिर जो भी आप फ्रेश वेट रखेंगे वो फ्रेश वेट उसके ऊपर आएगा आपका। ये आपने जो टायर किया है वो वेट माइनस में जाएगा, इसको टायर कर देना है।
वेइंग मशीन में बैटरी बैकअप है, आप जब ये सप्लाई का वायर निकाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक बैटरी पे चालू हो जाएगा और यहाँ का जो इंडिकेशन था सप्लाई का वो बंद हो जाएगा। आपको वेइंग मशीन जब भी बंद करना है कम्प्लीटली तो सबसे पहले यहाँ से ऑफ़ करना है और यहाँ से ऑफ करना है। ये आपका कंप्लीट वेइंग मशीन ऑफ हो गया। सेम मेथड से ऑन करना है, यहाँ से फर्स्ट ऑन करना है फिर यहाँ से ऑफ करना है, ऑन करना है। अगर आपको टेम्पररी बंद करना है तो डायरेक्ट यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, परमानेंट बंद करना है तो यहाँ से करना है।